नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियां। जुनैद इम्तियाज मीर न्यायिक मजिस्ट्रेट पंपोर की अध्यक्षता में तहसील कानूनी सेवा समिति पंपोर की तरफ से आज सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पामपुर में आजादी का अमृत महोत्सव विषय के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्ष TLSC पंपोर ने अपने भाषण के दौरान कहा कि इस प्रमुख कार्यक्रम का संदेश एक परिवार के साथ साथ समाज के लिए एक बालिका के मूल को समझना है। उन्होंने कहा कि एक महिला परिवार में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितनी वह समाज में नेतृत्व की भूमिकाओं में निभाती है। उन्होंने आगे कहा कि यह शिक्षा ही है जो बालिकाओं को अपनी क्षमता के अनुसार इन दोनों भूमिकाओं को निभाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पृथ्वी पर सभ्यता मौजूद है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंपोर ने अपने संक्षिप्त भाषण के दौरान कहा कि एक बालिका की रक्षा करना और उसे शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान GGHS पंपोर के प्रशासन ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला, जिसमें पंपोर बार के वकीलों के साथ साथ स्कूल के छात्र भी शामिल थे। उक्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, खेल, लेखन आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभिन्न छात्राओं को अध्यक्ष तहसील कानूनी सेवा समिति द्वारा ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज तहसील लीगल सर्विस कमेटी की तरफ से जो ये प्रोग्राम हमने स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ऑर्गेनाइज किया गया, जहां जो इस प्रोग्राम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उससे हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक सोसाइटी में बच्ची की क्या वैल्यू है, उसकी फैमिली में क्या वैल्यू है, उसकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है और एजुकेशन उसके लिए क्यों जरूरी है, उसके लिए और एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया और यहाँ की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे साथ पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेशन हमें दी और मैं कहूँगा कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम आज रहा।